संस्थापकाय सर्वधर्मस्वरूपिणे सेधर्मस्विणे अवताय रामकृष्णा ते नम जननी शारदा दीं रामकृष्ण जगद्गु पादप्दे त्रिवा प्रणमामि मुहुर्मुहु विवेकानंद श्रियतिराजा विवेकानंदसूरए स्वामिने स्वामिनेतापहारिणे गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव इस विषय पर चर्चा चल रही है इसी श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे प्रोफेसर यशवंत भाई शुक्ल जाने माने साहित्यकार गुजराती में और जाने माने शिक्षणविद ग्रेट एजुकेशनिस्ट एज़ वेल एज अ राइटर अत्यंत संक्षिप्त में उनका परिचय ले, 8 अप्रैल 1915 को उमरेट में जो कि खेड़ा जिले में है अहमदाबाद से लगभग एक घंटे का ड्राइव और निधन हुआ 23 अक्टूबर 1999 अहमदाबाद में तेरह मार्च 2016 को उनका शताब्दी महोत्सव नड़ियाद में बड़े पैमाने पर मनाया गया कई साहित्यकारों ने उस समय अपनी श्रद्धांजलि दी उस समय जब प्रकाश भाई शाह वे भी अब नहीं रहे पर वो भी सौ साल की उम्र के बाद ही गए सेंचुरी करके गए वो भी बहुत बड़े साहित्यकार उन्होंने कहा था उनके बारे में कि उन्होंने स्मृतियों में अपनी स्मृतियों के बारे में कहा कि एक बार हम लोग जब धरना देने गए थे बहुत कड़ी धूप थी उनकी उम्र बहुत ही अधिक हो गई थी उसके बावजूद वो डटे रहे जब उनको कहा गया कि आप विश्राम कीजिए तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया स्टैंड अप एंड बी काउंटेड ये मेरा सिद्धांत है स्टैंड अप एंड बी काउंटेड जब आप खड़े रहेंगे तभी आपकी गिनती होगी और वे डटे रहे तो इस प्रकार से अत्यंत वे दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न और देशभक्ति से ओतप्रोत दिबंधकार विवेचक पत्रकार संपादक अनुवादक सभी रोल्स उन्होंने किए एक साहित्यकार के 1938 में सूरत में एम किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से सूरत बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आता था उस समय इंग्लिश और गुजराती दोनों में एम किया उन्नीस से इकतालीस तक गुजरात कॉलेज में लेक्चरर रहे और बाद में एलिफेंसटन कॉलेज में भी लेक्चरशिप उन्होंने की 1942 से लेकर 1945 तक भारतीय विद्या भवन में उन्होंने अध्यापन कार्य किया 1955 से 1978 तक वे प्रिंसिपल रहे एच के आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद के उन्नीस से 1975 वे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और उस समय हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के साथ उनका संबंध घनिष्ठ होता गया तब से 1978 से वे कन्वीनर हुए 1978 में गुजरात विद्यासभा के और 1973 से लेकर उन्नीस तक वे मेंबर रहे नेशनल साहित्य एकेडमी जनरल काउंसिल के और उन्नीस से पचासी तक प्रेसिडेंट रहे गुजराती साहित्य परिषद के कई उनको अवार्ड मिले जिसमें कि नर्मद चंद्रक नर्मद चंद्रक अवार्ड एक बहुत बड़ा गौरवमय अवार्ड उनको मिला और भी कई अवॉर्ड मिले वे न केवल कुशल वक्ता थे न कुशल लेखक थे बहुत बड़े शिक्षणविद थे इतिहासकार इतिहासकार थे संस्कृत विचितक थे ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एजुकेशनिस्ट एंड ए राइटर अद्भुत समन्वय उनमें था उनका उपनाम भी उन्होंने ग्रहण किया था तरल विहंगम संसार शास्त्री वगैरह अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व और मैच्योर पर्सनालिटी। उनके पास जाकर के मूल्यों का मूल्य बोध होता था और मूल्यों के बारे में बोलने वाले किस प्रकार के होने चाहिए इनका मतलब वे रोल मॉडल थे जिन्होंने अपने जीवन में मूल्यों को महत्व दिया है संजोया है वे ही मूल्यों के बारे में बोल सकते हैं और ये पूरा अधिकार उनके पास था उस प्रकार का उनका अद्भुत व्यक्तित्व था तो ये हमारे जहाँ तक रामकृष्ण आश्रम के साथ उनका संबंध है श्री रामकृष्ण ज्योत में हम लोग उनको बोलने से वो लेख अवश्य भेजते थे और उन्होंने जो कुछ लेख भेजे उनका तो हम लोगों ने संकलन भी किया पुस्तक का पुस्तक जो हमने प्रकाशित की उसमें उनके लेख को भी हमने उनको स्थान दिया है और उन लेखों को पढ़ करके हमको पता लगता है कि कितना गहन अध्ययन उनका श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा पर होगा इसके अलावा श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में उन्होंने प्रवचन भी दिए हैं एक आधी बार आए हैं मुझे याद आता है एक दो दिनों का सेमिनार हमने आयोजित किया था अबाउट 1992, 1992 उन्नीस सौ की बात है द साइंस एंड आर्ट ऑफ बिकमिंग अ बेटर टीचर तो उत्तम शिक्षक बनने की कला एवं उसका विज्ञान इस विषय पर दो दिनों का सेमिनार था बहुत अद्भुत उसका रिस्पांस मिला पूरा हॉल भर्ती हो गया था हमारे राम जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट मंदिर है उसके नीचे ही हमारा मेन हॉल हुआ करता था उस समय विवेक हॉल तो उस समय नहीं हुआ था पूरा हॉल भर गया था और बहुत ही अच्छे एक एक से एक एक बढ़ के वक्ता थे डॉक्टर रविंद्र दवे यूनेस्को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर उन्होंने इनाग्रेशन किया और यशवंत शुक्ला ने इत की नोट एड्रेस दिया इतना सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया मुझे अभी भी याद है उनका एक वाक्य कि उन्होंने कहा यह शिक्षक का जो व्यवसाय उसको मैं नहीं कहूँगा यह शिक्षक का जो धर्म है स्वधर्म है अत्यंत यह एक नोबल प्रोफेशन है उमदा यह कार्य है इस कार्य में कुछ लोग इस पेशे में इस व्यवसाय में कुछ लोग आकस्मिक रूप से गिर गए आ गए हैं उन लोगों को मैं अनुरोध करूंगा वे जल्दी से यहाँ से इस व्यवसाय को छोड़ दें उनको जो चाहिए वो इस व्यवसाय में नहीं मिलेगा उनको उनको चाहिए पे टी एडीए पैकेज छुट्टिया बेनिफिट्स नहीं मिलेगा यदि बलिदान देना चाहते हैं देश के लिए जीना चाहते हैं और उसके लिए त्याग करने की इच्छा है उसके लिए कुछ करके देश के लिए आगामी पीढ़ी के लिए तैयार करने के लिए कुछ अपने आप को मिटा देने की अपने आप को समर्पित करने की यदि इच्छा है तभी इस महान स्वधर्म में इस महान व्यवसाय में आप आइए इतनी दिल से उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये शिक्षकों कि मैं यह अवस्था देखता हूं शिक्षक से ऊपर तो कोई है ही नहीं इतना वह से ग्रेट ग्रेट वर्क आगामी पीढ़ी को तैयार करने वाले शिक्षक और उन्होंने उस समय एक बात बताई थी उनके गुरु के बारे में उनके शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक थे बोले इतने मूल्यनिष्ठ थे इतने समर्पित बुद्धि से वो पढ़ाते थे और यदि कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आता या कुछ पीछे रह जाता कभी भर्सना नहीं करते थे वो कहते थे यदि कोई विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा है द फॉल्ट लाइज विद द टीचर हु कुड नॉट हिम प्रॉपरली वो अपने आप अपने ऊपर ले लेते ले थे, थे कि इसको मैं नहीं पढ़ा पाया ये मेरी भूल है मेरे पास उसके माता पिता ने रखा मैं नहीं पढ़ा पाया तो ये मेरी भूल है मैं उसको सुधारूंगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा समय देते थे अलग से उसको समय देते थे व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन नहीं लेते थे पैसा नहीं लेते थे संपूर्ण समर्पित जीवन यशवंत भाई शुक्ला ने कहा ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं और ये मैं उनको आज भी याद करता हूं तो मैं गदगद हो जाता हूं और बोले उनके पास धन संपत्ति में कुछ भी नहीं धन संपत्ति के नाम से कुछ भी नहीं परंतु जब उनकी स्मशान यात्रा निकली तो गांव के सभी लोग उसमें हाजिर थे कोई अनुपस्थित नहीं था और सब रो रहे थे कि इतने महान पुरुष हमारे गांव के ये चल बसे तो तो माने जीवन की कृतकृत्यता उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के कहा यह है शिक्षक के जीवन का प्रतिफल क्या मिलेगा शिक्षक पूछते हैं क्या मिलेगा मान लो हमने समर्पित बुद्धि से काम किया क्या मिलेगा तो उन्होंने मानो वह एक सर्च लाइट उन्होंने एक दे दी कि हाउ टू यू द रिजल्ट ऑफ आवर लाइफ कबीर ने कहा था जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए जैसे उन बोले मेरे शिक्षक हंसते हंसते चले गए क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन था संतोष था मैंने सारा जीवन बच्चों को पढ़ाया है कोई कसर बाकी नहीं रखी है पूर्ण समर्पित बुद्धि से मैंने अपना कार्य किया है और स्वधर्म काम करते करते मैं अभी जा रहा हूँ पृथ्वी लोग को छोड़ रहा हूँ आनंद है मुझे मेरा कार्य पूरा हो गया और बोलते हैं कि गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा ऐसी ऐसा नहीं था ऐसी भी व्यक्ति ऐसी भी नहीं थी ऐसी नहीं थी जिसके आंख में आंसू कृत है, यह शिक्षक का सबसे सर्वश्रेष्ठ उसको जो मिलना है इससे ज्यादा क्या मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति महान होता है और भी बाद में आकर के शिक्षक को प्रणाम करके बोलता है कि सर मैडम आपके कारण मैं इतना महान हुआ हूं उस समय जो आपके आंख में आंसू आते हैं हर्ष के उसकी कीमत रुपया डॉलर और यूरो में नहीं होती है इट कैन नॉट बी वैल्यूएटेड दैट इज अ सेपरेट वैल्यू यह केवल शिक्षक का हक है और किसी प्रोफेशन में और किसी कार्य में इस प्रकार का प्रतिदान नहीं मिल सकता है दैट इज वाई इट इज द नॉबलेस्ट प्रोफेशन द बेस्ट प्रोफेशन द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन इन द होल वर्ल्ड इससे ज़्यादा उम्दा कोई कार्य नहीं है यह उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के अपने गुरु का अपने शिक्षक का देकर के कहा था कि क्या शिक्षक की महानता होती है किस महान स्थान पर वो पहुँच सकते हैं और वो महानता केवल न्यूज़पेपर में रिपोर्ट के अनुसार नहीं पर यह जो भावना गांव वालों की उनके प्रति उनके प्रति श्रद्धा यह जो श्रद्धा है यह उस ये श्रद्धा जो गांव वालों की श्रद्धा उनको मिली गांव वालों का प्रेम मिला यही उसका प्रतिदान है इससे ज्यादा प्रतिदान शिक्षक चाहता भी नहीं है और उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता कोई प्रतिदान तो यह बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया था और यह उन्होंने जो लेख लिखा रामकृष्ण ज्योत में एक लेख लिखा था उन्होंने प्रभावनु रहस्य तो ये विश्व धर्म परिषद के ऊपर विश्व धर्म परिषद और स्वामी विवेकानंद नाम की पुस्तक हमने प्रकाशित की है रामकृष्ण आश्रम राजकोट से अभी भी पिछले वर्ष ही प्रकाशित की तो उसमें हमने कुछ कुछ सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख उसमें हमने ले लिए हैं जो रामकृष्ण ज्योत में प्रकाशित हुए थे जैसे यशवंत शुक्ल हैं शाह हैं ज्योतिबेन थानकी है फिर गहन जी महाराज आत्मस्थान जी महाराज प्रभानंद जी महाराज नरेंद्र मोदी चेतनानंद हरीश धोड़किया भद्राईव राजा ने जिसकी बात हमने कल की हरीश धोड़क की बात पहले की थी मनसुखाई मनसुख भाई मेहता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे इन लोगों का संकलन है ये तो उसमें प्रभाव नु रहस्य बहुत छोटा सा आर्टिकल में क्या उन्होंने कहा कि प्रभाव का रहस्य क्या है ये जो शिकागो विश्व धर्म सभा में उन्होंने केवल पाँच मिनट के, के वक्तव्य से सारे विश्व का मानो विजय प्राप्त कर ली तो उसका रहस्य क्या है उन्होंने दो रहस्य बताए एक तो रामकृष्ण परमहंस की कृपा उन पर और उनके पास से उनको जो मिला रामकृष्ण परमहंस को हमको याद रखना पड़ेगा उनको भूले बिना उनको भूल करके हम स्वामी विवेकानंद की महत्ता को नहीं समझ सकते बहुत सुंदर कितना सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया कि प्रभाव का रहस्य क्या है और दूसरा कहते हैं धर्म बाह्याचार नहीं पर अंदर बाहर नीकरता से पोता ने अने विश्व ने विश्व ने अभेद से ये सत्य विवेकानंद आत्मसात करूत एज एम प्रभावन रहस्य है अंत में कहते हैं कि मैं और विश्व ये अभेद हैं आत्मा की दृष्टि से और ये केवल थियोरिटिकली नहीं पर स्वामी विवेकानंद ने उसका रियलाइजेशन किया था उनको सब जगह आत्मवत सर्वे आत्मभूत सर्वेशूज सब जगह उनको ऐसा लगता था कि सभी मेरे आत्मा हैं सारे विश्व में विश्व के साथ वो एकात्म बुद्धि उनकी थी इसलिए वे इस प्रकार से वो प्रभाव कर प्रभावित कर पाए थे दूसरे लोगों को क्योंकि उनके साथ वो एक एकत्व की अनुभूति उनकी थी सिस्टर्स ब्रदर्स तो और भी लोग बोले थे पर उन्होंने जो कहा वो दिल से हृदय से कहा और वो अद्वैत वेदांत की अद्वैतानुभूति को उन्होंने अपने जीवन में उसका साक्षात्कार किया था इसलिए उनके हृदय से निकली वाणी वो जाकर के इन सभी श्रोताओं के हृदय पर टकराई और यह दो मिनट तक ये लोग खड़े होकर के ताली बजाते रहे और इस प्रकार से अद्भुत उसका प्रभाव पड़ा ये अद्भुत जो प्रभाव पड़ा उसका ये जो प्रभाव है उसका रहस्य यह है कि स्वामी विवेकानंद को वो अद्वैत की अनुभूति हुई थी ऐसा बोलते हैं और दूसरा श्री रामकृष्ण देव की कृपा और एक पुस्तक प्रकाशित हुई अभी अभी आधुनिक युवा वर्ग ने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रकाशित हुई उसमें भी हमने सभी संकलन किया है रामकृष्ण ज्योत के जो लेखों का उसमें वीरेश्वरन जी महाराज भूतेश्वर जी महाराज जी महाराज आत्मस्थान जी महाराज महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस किरण बेदी यशवंत शुक्ल राजा रमन्ना विमला ठकार अमजद अली खां भगिनी निविदिता डॉक्टर एम लक्ष्मी कुवारी महेंद्र जानी पाल देसाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काका साहेब कालेलकर ये सब के इसमें लेख हैं तो इसमें यशवंत भाई शुक्ला का जो लेख है बहुत ही सुंदर लेख स्वामी विवेकानंद प्रबोधेल धर्म स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के धर्म का उन्होंने धर्म की बातचीत की थी धर्म के बारे में कहा था સ્વામી વિવેકાનંદ કે દ્વારા પ્રબોધિત ધર્મ કૌનસે ધર્મ ધર્મની વાત કહી હતી તો ગોવર્ધન રામ અને સ્વામી વિવેકાનંદ સમકાલીન હતા અને ધર્મ તત્વની બંનેની સમજ ઊંડી અને તાત્વિક હતી કેમ કે મૂળ તત્વનું બંને સુપેરે આલોકન કર્યું હતું આકલન કર્યું હતું સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાની સમજણ વિશ્વભરમાં ગાજતી કરી હતી ઉસમે ઉ પહેલા કહેના હે કે જો ગોવર્ધન માધવ ત્રિપાઠી उन्हें जो सरस्वती चंद्र जो किताब लिखी बहुत फेमस किताब है तो अभी तो टेक्स्ट बुक में भी आ गई उसके थर्ड भाग में तीसरे भाग में तीसरे खंड में लक्ष्य -लक्षा प्रकरण एक आता है प्रकरण उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत तत्व चर्चा की है अद्वैत वेदांत के बारे में तो ऐसा लगता है मानो स्वामी विवेकानंद के ने जो जिस प्रकार के अद्वैत वेदांत की चर्चा की उसकी कुछ छाया प्रतिछाया वहाँ पर हमको लगती है और ये स्वाभाविक है क्योंकि हमने जैसा कहा था स्वामी विवेकानंद परिभ्रमण करते समय नडियाद में गए थे और बहुत संभव है संभव है उनकी मुलाकात राव माधवराम त्रिपाठी से हुई होगी क्योंकि ये भतीजे थे मनसुख त्रिपाठी के और मनसुख त्रिपाठी के यहाँ स्वामी विवेकानंद जूनागढ़ में उनके साथ रहे भी थे और वेदांत की काफ़ी चर्चा की थी तो स्वाभाविक है यदि वो नडियाद में आए हों और गोवर्धन राम त्रिपाठी यदि हाजिर हों तो उनके साथ मुलाकात हुई हो परंतु स्वामी विवेकानंद ने जो पत्र लिखा है उसमें उनका कोई उल्लेख नहीं है उसमें केवल मणिभाई नवभाई द्विवेदी से मुलाकात हुई उसी का उल्लेख है तो इसलिए हमको पता नहीं हम कुछ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि उनके साथ मुलाकात हुई हो पर ऐसा लगता है कि मुलाकात हो या नहीं हो परंतु स्वामी विवेकानंद ने जिस वेदांत की बात की उसकी उन पर असर बहुत पड़ी और ये उन्होंने सरस्वती चंद्र में उस तीसरे खंड में उसकी व्याख्या उन्होंने की है स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित एक बात हमको प्रमाण यही मिलता है कि अपनी डायरी में वो लिखते हैं गोवर्धन और माधुरम त्रिपाठी अद्वैत आश्रम के बारे में लिखते हैं कि अद्वैत आश्रम मुझे मायावती अद्वैत आश्रम में जाना है और अद्वैत आश्रम से प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो भी उन्होंने व्यक्त की है और वहाँ पर वे मायावती जाने की बात भी उन्हें इच्छा प्रकट की है उससे लगता है कि वे अद्वैत से स्वामी विवेकानंद के अद्वैत से काफ़ी प्रभावित थे और यही उन्होंने सरस्वती चंद्र में तीसरे खंड में लिखा है और उसके साथ साथ यह भी उन्होंने कहा, कहा है स्वामी जी समग्र जीवन आ तत्व ने जीवन में प्रत्यक्ष करनारुतु ये जमना व्यापक प्रभाव रहस्य है तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म बताया था वो ये धर्म क्या है वो है दिव्यता का प्रकटीकरण तो ये धर्म रिलीजन इज रियलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ये दो बातों को उन्होंने इसमें विशेष करके इसकी एनालिसिस की ये यशवंत शुक्ल जी ने कि स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित जो धर्म था वो है वेदांत का धर्म जो कि व्यवहार में भी लाया जा सकता है ऐसा वेदांत ये बात उन्होंने इसमें कही है इसका मतलब इस हम क्या समझ सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया होगा तो अभी वे इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के तत्व दर्शन के मूल तक पहुंच पाए हैं तो इस प्रकार से यह जो श्री यशवंत भाई शुक्ल अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व और धीर धीर गंभीर परंतु अत्यंत सरल ऐसा व्यक्तित्व उनको हम याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं